तो जो ये क्रैश हुआ है ये हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। सारे फ्लाइट्स इंडिगो के जो सारे फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गया है ये माइक्रोसॉफ्ट को इश्यू को लेके। पता नहीं इनके सर्वर्स डाउन है सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर। आई केम हियर एंड आई केम टू नो नाउ दैट द फ्लाइट इज कैंसिल एंड दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन। दे आर टेलिंग मी वी हैव टू वेट टिल 5 o'clock। आ रहे थे विशाखापट्टनम से, लखनऊ आए थे काम से और वापस जाना है विशाखापट्टनम। आज दोपहर को फ्लाइट था दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से वाइजा के लिए, लेकिन सारे फ्लाइट्स इंडिगो के जो सारे फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गया है ये माइक्रोसॉफ्ट को इश्यू को लेके। और इतना दिक्कत हो रही है कि वापस आने जाने में ना तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या मैं सोचा डायरेक्ट एयरपोर्ट आके कुछ बुक करूँ, लेकिन एयरपोर्ट में भी कहीं से भी बुकिंग नहीं हो पा रही है, बोले तो सब फ्लाइट्स कैंसिल है। देखिए हम लोग ना अब यूज टू हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए, इसके बिना ना हम आगे मूव कर सकते हैं ना इसके बिना हम कोई भी आगे काम कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी अब डिजिटल सिस्टम के ऊपर हो चुकी है। तो जो ये क्रैश हुआ है ये हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, हमारे को हर लेवल पर इसकी तकलीफ आने वाली है और आई थिंक इसका निवारण होना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। And I am aware there is a global Microsoft outage due to which lot of systems are impacted and affected. Even we are affected officially. So I thought I will reach airport early and I have done check-in through DigiYatra. I came here and I came to know now that the flight is cancelled and they don't have a solution. They are telling me we have to wait till 5 o'clock to get the next update. Otherwise refund. So I told him refund is not a solution. Give me a solution. Refund is not a solution. Our laptops are not to be switched on at all. But the issues in the airport is I think the DigiYatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues now. I think it's going to take me at least 45 minutes, 1 hour to get into the airport. I don't know how long the security is going to take. And right now I'm not even sure of the impact of the timings of the flight as well.